स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे चयनित अभ्यर्थियों की मेहनत रंग ले आई है। राज्य टीईटी पास उम्मीदवारों को खुशखबरी देते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का आदेश पत्र जारी कर दिया है। इसकी पदपूर्ति प्रक्रिया मार्च 2023 से शुरू की जाएगी। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2023 को जारी किया जाएगा। विभाग के आदेश के बाद बेरोजगार शिक्षित युवाओं और पात्रता पास करने वाले शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे संगठन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन प्रदेश स्तर का होगा। यही नहीं, उम्मीदवारों ने तो ज्वाइनिंग नहीं देने पर बीजेपी को वोट तक नहीं देने की शपथ ली थी। संगठन का कहना है कि यह सब हमारी चेतावनी और शपथ का सर है। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हम मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी शिक्षक वर्ग तीन के ये शपथ लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे 51,000 पद वृद्धि नहीं करती है और 100% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है हम सब शपथ लेते हैं कि मैं मेरा पूरा परिवार मेरे रिश्तेदार मेरे गांव मेरे ब्लॉक मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा जो 2.5 करोड़ हैं वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और ना कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में। सभी को मेरा नमस्कार। सबको पता है कि आज शिक्षक वर्ग तीन में जो सरकार के द्वारा 7,500 पद वृद्धि की गई है वो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के द्वारा जो डीपीआई पर जाकर सरकार को जो बोला गया था कि अगर 21 दिसंबर तक ये पद वृद्धि नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश का समस्त युवा जो है वो इनको वोट नहीं देगा, आज उसी का असर है कि आज 7,500 पद वृद्धि जो शिक्षक वर्ग तीन में हुई है नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का लगातार जो प्रयास था उसके माध्यम से हुई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।